स्लैप आ जाता है, वो आ जाता है हमारा कुकिंग। अब कुकिंग के अंदर भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि है हमारे बेसिक कुकिंग मेथड। अगर आप कलिनरी आर्ट की डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे जो बेसिक मेथड्स हैं वो आने चाहिए, चाहे जैसे कि हमारा बॉइलिंग हो गया, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, रोस्टिंग हो गया। अगर इंडियन में आप लोग कर रहे हैं तो तंदूर जलाना आपको आना चाहिए, रोटी के जो पेड़े हैं उनका आटा गूंदना आपको आना चाहिए, या बेसिक सारी ये सारी चीज़ें चाइनीज़ में हैं तो आपको चाइनीज़ का वॉक आपको आना चाहिए। तो ये सब का सब हमारे बेसिक कुकिंग मेथड के अंदर आ जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरा सेगमेंट आ जाता है वो आता है आपकी प्रिपेयरिंग रेसिपी का। इसके बाद आपको रेसिपी प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, किस प्रकार से रेसिपी प्रिपेयर होगी, उसमें इंग्रेडिएंट क्या होंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से मैं अपनी रेसिपी के अंदर अगर मैं ये डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा डालूंगा तो वैसा हो जाएगा, इन सब चीज़ों को आपको सूचीबद्ध तरीके से लिखना आना चाहिए अगर आप एक कलिनरी आर्ट के स्टूडेंट हो। इसके बाद आपको ट्रायल और एरर भी करने पड़ेंगे। आपको रेसिपी जो आप बना लेंगे, आपने बेसिक कुकिंग मेथड सीख ली हैं, आपने रेसिपीज प्रिपेयर कर ली है, उसके बाद आपको ट्रायल और एरर भी करना पड़ेगा कि भाई आपको देख के बना के देखना पड़ेगा कि जो रेसिपी आप बना रहे हैं क्या वो बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, सिर्फ आपके मन का एक वहम था कि मैं बना सकता हूँ और आपने कुछ और ही बना दिया है, तो आपको वो भी ट्रायल और एरर करने पड़ेंगे। और इससे सबसे लास्ट में हमारा आता है हमारी कुकिंग सेगमेंट के अंदर, वो है हमारा मीज़ान प्लस। मीज़ान प्लस का मतलब कि आपको जब आपने अपने ट्रायल एरर कर लेंगे और जब आप बोल देंगे हाँ भाई मेरी रेसिपी परफेक्ट हो गई है, तो आप अपने लिए मीज़ा रेडी करेंगे, सारे के सारे इंग्रेडिएंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उनको रेडी करेंगे अपनी फाइनल कुकिंग से पहले। तो ये भी आपका पार्ट हो जाता है कलिनरी आर्ट का। इसके बाद